देखिए मिश्रा जी, सो ए प्लस टू बी इज इक्वल टू फाइव, देन शो दैट दिस। ये हमें समझ आया कि नहीं आया कि ये इसमें क्यूब करना पड़ेगा? मिश्रा जी ये बात समझ आई या नहीं आई? भाई ये क्वेश्चन फोर और फाइव जो है भाई बहन है, एक ही जैसे क्वेश्चन है, देखने में इनको डर लगेगा, बट मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको तो आइडिया नहीं होगा ना कि स्क्वायर करना है या क्यूब करना है। तो जो हिंट मिलेगा वो आपको इसको देख के हिंट मिलेगा कि यार ये दोनों साइड पे क्यूब करना पड़ेगा आपको। ये बात समझ आई या नहीं आई मिश्रा जी? समझ आया नहीं आया? अरे तू खाना खा रहा क्या साथ में? नहीं, तो खाने की आवाज़ क्यों आ रही? खाने क्यों? हाँ कुछ तो खा रहा है तू। यहाँ पे एसी चल रहा है। तो ए प्लस टू बी का क्यूब इज इक्वल टू फाइव का क्यूब। मिश्रा जी यहाँ तक डाउट, 900। यहाँ तक पहुँच गए थे आप? आपने क्यूब नहीं किया? क्या ए क्यूब प्लस 8b³ + 125 तूने क्या किया था? इक्वल टू 125? इज इक्वल टू 125। ये बात समझ आ गई? तो अब हल्का से ये तो समझ आना है शुरू हो गया कि यार ये राइट हैंड में जो 125 है वो तो आ गया। अब ये प्लस ए प्लस टू बी का होल क्यूब जो है वो एक्सपेंशन है। ए क्यूब प्लस टू बी का क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर इंटू टू बी प्लस थ्री ए इंटू टू बी का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया मिश्रा जी? देखिए ये ए स्क्वायर है बेटा, साइड में टू बी, और ये ए है और यहाँ पर टू बी स्क्वायर। नहीं समझ में आया? आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। कहने का मतलब एक बार एक्स स्क्वायर होता है और दूसरी बार वाई स्क्वायर होता है। नहीं समझ में आया? तो जब ए प्लस टू बी का होल क्यूब करोगे तो सेम लॉजिक लगेगा ना, एक बार ए स्क्वायर होगा और दूसरी बार टू बी का स्क्वायर होगा। वही डाउट है क्या? पक्का? नो सर, यस सर, यहाँ तक शांति? यस सर, सब जगह। ये क्वेश्चन रिपीट करना है आपने, नहीं तो एग्जाम में बैठोगे ऐसा सर लगेगा। आपकी या आवाज कट रही है। अभी आ रही है आवाज? हाँ ये क्वेश्चन रिपीट करना है आपने, नहीं तो एग्जाम में बैठोगे ऐसा लगेगा क्वेश्चन देखा तो हुआ है बट समझ नहीं आ रहा कैसे करना। मेरी बात समझ में आ रही? अब ये देखिए, जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन फोर दो लाइन का क्वेश्चन था, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए मैंने क्यूब कर दिया दोनों साइड पे, ए प्लस टू बी फाइव दिया था, दोनों तरफ क्यूब कर दिया। जब क्यूब किया तो ए क्यूब एट बी क्यूब थ्री इंटू ए इंटू टी टू बी और ए प्लस टू बी। नहीं समझ में आया मेरी बात? समझो सर। अरे भाई एक्सपेंशन कर रहे हो ना, एक्स प्लस यस वाई सर, का क्यूब, उसमें एक स्टाइल लिखने का ये भी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई। नहीं समझ में आया भाई? समझो सर। ये एक ही चीज़ है ना, इसको कैसे भी मैं लिख सकता हूँ। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? समझा इसलिए बार बार लिखना पड़ेगा ताकि दिमाग में एक बार रजिस्टर हो जाए, नहीं तो ऐसा लगेगा हाँ देखा तो हुआ है सुना तो हुआ है, एग्जाम ही नहीं कर पाओगे। फिर मम्मी को आके वापस बोलोगे आता तो था बट कंफ्यूज हो गया। वो कंफ्यूजन जो थी वो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, वो कंफ्यूजन नहीं है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। तो ये ए आ गया, ये टू बी आ गया और ये ए प्लस टू बी आ गया। यहाँ तक शांति? यस अब ए प्लस टू बी जो है वो किसके इक्वल है? फाइव के। तो मैंने ये जो है ए प्लस टू बी, इसमें वैल्यू किसकी डाल दी? फाइव की। नहीं समझ में आया? तो ये बन गया फाइव, ये है टू बी, ये है ए, ये है थ्री। तो बेसिकली थ्री इंटू ए इंटू टू बी इंटू फाइव, फाइव टू द 10, 10 थ्री द 30 ए बी। नहीं समझ में आया? दो लाइन का क्वेश्चन मित्रों, डाउट? सर।
बार बार कह रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस में एक जो कन्फ्यूजन आपको रहेगी, क्योंकि अभी तो आप क्योंकि क्यूबिक एक्सपेंशन ही कर रहे हो तो आपके क्वेश्चंस भी क्यूबिक के होंगे, इसलिए आपको तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। बट जैसे एग्जाम में बैठोगे तो स्क्वायर भी आएगा, क्यूब भी आएगा। तो एक जो हिंट है, वो हिंट मैं आपको बार बार कहता जा रहा हूँ, वो जो हिंट अपने पास आपको रखना पड़ेगा वो ये रखना पड़ेगा कि अगर ऐसा स्क्वायर नज़र आया तो ये स्क्वायर वाली एक्सपेंशन का क्वेश्चन होगा। ये देख रहे हैं आप, ये स्क्वायर वाली एक्सपेंशन है। मेरी बात समझ में आ रही मिश्रा जी? हाँ हाँ या ना? और जैसे ही आपको क्यूब नज़र आने शुरू हो जाएंगे, जैसे ही क्यूब नज़र आने शुरू हो जाएंगे, जैसे ये सिक्स क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्यूब नज़र आ गया तो कुछ ना कुछ क्यूब से लेना देना होगा। भाई समझ आया नहीं आया बेटा? बात समझ आई नहीं है? एक बार सिक्स अपने आप करने की कोशिश कीजिए। आपने किया था कल? हाँ, एक बार ट्राई कीजिए। मिश्रा जी करिए, एक बार आप कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं।